हेलो, मेरा नाम नैरिता जॉय शुक्ला है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब वीडियो में मैंने डिसाइड करा है थोड़ा सा कुछ हटके डिस्कस करने के लिए। मैंने बहुत टाइम से यूट्यूब चैनल जब से स्टार्ट करा है, इस यूट्यूब चैनल में मेरे लाइफ के काफ़ी सारे पार्ट्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। जैसे कि मैं आई लव डूइंग योगा, तो योगा भी है, थोड़ा सा व्लॉग्स भी है। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स को देखोगे तो यू विल सी लाइक इट्स बीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो देर हैज़ बीन अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई वाज मेकिंग व्लॉग्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, देर हैज़ बीन अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई गॉट इनटू पॉलिटिक्स, जब मैंने ज्वाइन करा उसके बाद के थोड़ा सा उसके टाइम में थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें हैं मैंने जो रिकॉर्ड करके डाल दिया था, बाद में मैंने उसको हटा दिया बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट यूट्यूब टू बी माई पोलिटिकल लाइफ का स्पेस, मतलब वो मैं अलग रखती हूँ। तो इस वीडियो में मैं कुछ वल्नरेबल होने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू बी वेरी वल्नरेबल एंड शेयरिंग सर्टेन थिंग्स विद यू दैट आई हैव लर्न ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। एंड इस पीरियड ऑफ टाइम में मैंने देखा है कि काफ़ी टाइम क्या होता है, हम जो है डूइंग में इतना ज़्यादा लॉस्ट हो जाते हैं। वी आर सो इन टू गेटिंग डन, गेटिंग थिंग्स डन, समटाइम्स वी गो इन टू अ मैस्कुलिन साइड ऑफ आर, वी गेट इन टू अ मैस्कुलिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। तो हम हमारे में हम सब में जो है ना पॉजिटिव वाइब्स है, हम सब में मैस्कुलिनिटी भी है और फेमिनिटी भी है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ मैस्कुलिन साइड टू देम एंड अ फेमिनिन साइड टू देम। तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ आप मैन, आप मेल हो, मैन इफ यू आर अ मैन और अ वूमन, एवरीबडी हैज़ दैट पार्ट इन देम। तो क्या होता है जब ये दोनों जब बैलेंस में रहता है तब हमारा लाइफ जो है वो काफ़ी काफ़ी बैलेंस में होता है। और उसमें से मैंने देखा है जब भी एक में चेंजेस आता है, इफ यू आर अ वूमन एंड यू टू मच इन टू मैस्कुलिनिटी, यू माइट नॉट बी फीलिंग गुड एंड यू माइट नॉट बी फीलिंग वेरी हैप्पी और थिंग्स विल नॉट वर्कआउट ऑल्सो आपके लिए जैसे होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो थोड़े बहुत सीक्रेट्स जो मैंने अप्लाई करा है। काफ़ी सारे मिरेकल्स अपने लाइफ में मैनिफेस्ट होते हुए देखा है और उन सारी चीज़ों के थ्रू आई हैव लर्न्ड ऑल्सो सर्टेन थिंग्स। तो पहली बात, जब हम मैं अपना एक बात बताना चाहती हूँ, तो पहली बात है कि मैंने 2019 में अपना कंपनी का वर्क स्टार्ट करा। लाइक आई स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड ऑल, जो कि काफ़ी अच्छे से मूव भी हो रहा था। इट वॉज आई हैव बीन वर्किंग लाइक अ लॉट मी, लाइक अराउंड 17 आवर्स अ डे, समटाइम 18 आवर्स अ डे। देर हैज़ बीन डेज वेन आई हैव बीन सो बर्नड आउट कि कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। मैं ऐसे टाइम से भी गुजरी हूँ लाइफ में जहाँ मैंने स्पिरिचुअलिटी के रास्ते को भी समझा है। जब मैं एकदम सॉलिट्यूड में चली गई थी, एकदम हर्मिट मोड, किसी से बात करने को मन नहीं है, किसी से कुछ डिस्कस करना, बात करना, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है बट हाँ बात करना ठीक नहीं लगता, और काफ़ी इंटरनली खुद के साथ कनेक्ट होने का एक मौका मिला था। तो वो होता है हर्मिट स्टेज, ठीक है। तो आई हैव ऑल्सो बीन इन टू अ रिलेशनशिप विद माई ट्विन फ्लेम। अब ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो वर्ल्ड में बहुत कम लोगों का होता है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में आप ऐसे एंजल नंबर्स देखेंगे, 11 11, 3 3 3, 2 2 2, ऐसे टाइप का काफ़ी सारे चीज़ें लाइफ में आपके ऐसे होंगी जिससे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो कर जाएंगे, स्पिरिचुअली आपका ग्रोथ होगा। और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ मुझको मुझे मिला एंड आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो द पर्सन, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रही हूँ, द पर्सन दैट आई वॉज से 4 और 5 ईयर्स बैक और इवन 2 ईयर्स बैक एंड टूडे हु आई एम, आई सी अ ड्रास्टिक डिफरेंस। सो आई इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग सर्टेन थिंग्स जिससे कि आपका लाइफ जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप इजिली मैनिफेस्ट कर पाओ, जो आपके ब्लॉकेजेस आ रहे से वर्क लाइफ से रिलेटेड या लव लाइफ से रिलेटेड उसमें आपको ईज मिले। बिकॉज नाउ आई हैव पुट थिंग्स टुगेदर, पुट एवरी थिंग टुगेदर एंड आई हैव कम टू अ कंक्लूजन कि ये है जो मतलब। अच्छा ठीक है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। नाउ आफ्टर माई स्पिरिचुअल ग्रोथ आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ सेशन एंड नाउ आई हैव बीन स्टार्टिंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। काफ़ी टाइम से मैं लोगों को हेल्प करती आ रही हूँ वाया टैरो रीडिंग्स एंड गिविंग देम गाइडेंसेज एंड एंजल मैसेजेस, जो कि मोस्ट 99.99% टाइम्स एकदम 100% एक्यूरेट होता है एंड आई फील वेरी डीपली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो अगर आप टैरो से रिलेटेड, अगर आपका लव लाइफ या वर्क लाइफ से रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, ऑल यू हैव टू टेल मी इज योर नेम एंड योर डेट ऑफ बर्थ एंड आई विल बी एबल टू गाइड यू, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। देखिए
ठीक है, एक और चीज़ है, जैसे मैं एक पॉलिटिशियन भी हूँ, ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई हैव टू एक्सेप्ट इट्स माई वर्क लाइफ. में 2021 में आई ज्वाइन पॉलिटिक्स एंड आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ वेरी बिग ग्रैंड पार्टी ऑफ कांग्रेस. आई एम अ बाय बर्थ कांग्रेस पर्सन. लाइक मेरे को मतलब मैं यहाँ पे पार्टी डिस्कस नहीं करना चाहती, पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करना चाहती, बट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैड बीन गिवन टू मी एंड आई हैव एग्जीक्यूटेड ऑन दोज लाइन्स ऑल्सो. द पॉलिटिक्स इज अ वेरी मैस्कुलिन थिंग आई फील. उसमें काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिनिटी का रिक्वायरमेंट होता है. यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गो गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट. इवन कॉर्पोरेट कल्चर में वाइल आई वॉज वर्किंग, आई वर्क देयर फॉर लाइक अराउंड 7-8 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस आई हैव. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑल्सो इट्स अ लॉट ऑफ गो गेटर थिंग. लाइक यू टू बी वेरी मैस्कुलिन ट्रेट में, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, टाइम पे डेडलाइंस पे डिलीवर करना, यू मेकिंग थिंग्स डन, राइट? तो आई हैव सीन डिफरेंट साइड्स टू इट ऑल्सो. सिंस आई हैव बीन इन टू अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में रहने की वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ जो मैंने बोला, तो ऐसे रिलेशनशिप में होना जहाँ पे आपका ना भगवान जी के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका फेथ इन यूनिवर्स रीइंस्टॉल हो जाता है, तो दोज थिंग्स हैव हैपेंड. सो नाउ आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू दैट व्हाट हैपेंस. राइट नाउ मैं अपने घर के होम ऑफिस में बैठी हूँ, दिस इज लाइक माई होम वर्क एरिया. तो दिस इज अ स्पेस दैट माई ब्रदर हैज क्रिएटेड एंड जनरली ही वर्क्स हियर. I work in a different space, but I thought of just recording a video here to just connect a little bit more. I like this space, so the way he's created, I really like it. तो देखिए, आप चिंता कर रहे होंगे काफ़ी टाइम कि आपका जो है लाइफ में सिचुएशन में क्या होने वाला है. आप कभी कभी सोचते होंगे कि आपका जो है सपोज लव लाइफ में समटाइम्स यू फील वेरी अनसर्टेन कि उनका जो है कनेक्शन आपके साथ कैसा है. मैं यहाँ पे प्राइमरीली वुमेन के साथ भी कनेक्ट कर रही हूँ. मैन ऑल्सो कैन गेट कनेक्टेड इफ़ यू थिंक लाइक यू नो सिचुएशन वाइज इट कैन मैच ऑल्सो. सी लॉट ऑफ टाइम्स वी हैव टू बी इन आर डिवाइन फेमिनिन सेल्फ, आर गॉडेस एनर्जी. ठीक है, तो फेमिनिन सेल्फ जो है वो फीमेल्स के साथ आई एम ट्राइंग टू शेयर दैट. मैन ऑल्सो हैव अ फेमिनिन सेल्फ विच इज़ नर्चरिंग, विच इज़ मोर पेशेंट, विच इज़ मोर रिसीविंग. जब आप रिसीविंग मोड में होते हो वो फेमिनिन साइड होता है आपका. जब आप गिविंग एनर्जी में होते हो लाइक यू टू गिव गिव गिव, यू टू वर्क, यू टू प्रोवाइड, यू टू टेक केयर ऑफ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर वेरी मैस्कुलिन ट्रेड्स. नेचुरली 21st century में हम हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बस एकदम आराम से बैठ जाए और कुछ ना करें. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, विच इज ऑल्सो ओके. आई मीन इट कैन हैपन, डिपेंड्स. अच्छा, मैंने अभी कुछ खाना भी बनाया है, जस्ट मेड सम सॉसेजेस एंड ब्रेड, सो I wanted to just taste it. I'll just tell you. It's very nice actually. So feminine self में रहने के लिए ना आपको let go करना आना बहुत important हो जाता है. चीज़ों को control करने की इच्छा ना रखना. अब जिन professions के साथ मैंने अब तक I've been working as a entrepreneur, you have to keep a control. You have to know like what is happening, what is not happening. So many things that you have to manage, whether it when it comes to your business, the profits you are gaining, the losses you are making, so much of accountability is required for that. Your relationship with money has to be good. Your planning, research, everything has to be very on point. Number one, as a politician, I feel like when you are in a very male dominated workspace, a lot of times you have to display a lot of masculine traits of like, you know, confidence, go-getter, not getting scared, not being vulnerable, you know, all of those traits that I have displayed very well when I have worked there. I feel it's very important for us to understand. As an astrologer, I feel the most on my feminine side, because as an astrologer, when I am able to help others, nurture others, guide others, I let it flow. सो देर हैज़ टू बी, मैं फील करती हूँ कि एक बैलेंस होना चाहिए आपका मैस्कुलिन साइड में और फेमिनिन साइड में. फेमिनिन साइड को ग्रो करने के लिए देर आर सर्टेन सिंपल थिंग्स जो आप कर सकते हो, जिससे कि आपका जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाए. इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाह रही थी कि मैं पहले तो अपना लाइफ एक्सपीरियंस से काफ़ी चीज़ें सीखा है. वो एक्सपीरियंसेस बैलेंस करने के लिए यू हैव टू लेट यूनिवर्स मेक थिंग्स हैपन फॉर यू. आपने एक्शन लिया, एक्शन आपको लेना पड़ेगा. एक्शन लेना मैस्कुलिन ट्रेट में आता है. यू हैव टू टेक द एक्शन एंड यू शुड डू दैट. बट एट द सेम टाइम खुद के साथ कनेक्शन में रहना, लाइक नर्चरिंग योर सेल्फ, बींग इन अ प्लेस ऑफ रिसीविंग, बींग इन अ प्लेस ऑफ ट्रस्टिंग. तो यू नो मेडिटेशन रियली वर्क्स. मेडिटेशन में आप गॉड के साथ कनेक्ट करें, ध्यान करें, मेडिटेशन रियली वर्क्स.
स्पेंडिंग टाइम आउट इन नेचर इज लाइक द मोस्ट एक्सीलेंट वे आपका डिवाइन फेमिनिन नेचर को रीइंस्टॉल करने के लिए, एंड आपका अगर मैस्कुलिन नेचर को भी, आपको मैस्कुलिन ट्रेड्स को भी आपको एनर्जेटिकली बैलेंस करना है, तो उसके लिए भी बहुत अमेजिंग होता है नेचर में टाइम स्पेंड करना, ठीक है। और तीसरा है आपका स्पिरिचुअल बाथ। नहाते जब हम हैं ना, तो इट्स नॉट जस्ट फॉर फिजिकल बॉडी दैट वी आर टेकिंग बाथ, इट्स ऑल्सो क्लींजिंग प्रोसेस। तो फॉर मी, वेन आई एम सपोज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल, पिकिंग अप अ लॉट ऑफ एनर्जीज, वेन आई एम गिविंग यू गाइडेंस, वेन आई एम टॉकिंग टू माई क्लाइंट्स फॉर यू नो गिविंग देम गाइडेंस, उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स वेन आई हियर, तो अलग अलग एनर्जीज होते हैं, वो बॉडी में अफेक्ट भी करता है। इनफैक्ट आपके सराउंडिंग में कैसे लोग हैं, चाहे ऑफिस में हो आप, फैमिली में हो, जैसे भी हो, अगर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स है, इवन कॉन्फ्लिक्ट्स ना भी है, अगर किसी में जेलसी है, कुछ भी उनका जो एनर्जी है आप पिक कर सकते हो उसको। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लेंस करें, क्लेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जब पानी के साथ हम कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारा नेचर में बैलेंस आता है बहुत। राइट नाउ मैं एकदम घर पे हूँ, तो आई एम जस्ट वेयरिंग व्हाट आई वेयर एट होम, तो आई एम नॉट इन माय, नीदर आई एम वेयरिंग व्हाट आई वुड वेयर एज अ पॉलिटिशियन नॉर एज अ बिजनेस वूमन। आई मीन आई एम जस्ट इन माय होम चिल क्लोथ्स, ओके। दिस इज अ वेरी इनफॉर्मल वीडियो एंड इट्स अ वेरी वल्नरेबल वीडियो, यू नो आई एम शेयरिंग अ लॉट अबाउट थिंग्स दैट आर जेन्युइनली दैट हैज अफेक्टेड मी एंड आई एव लर्न्ड। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट टू कनेक्ट विद योर फेमिनिन सेल्फ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुबह उठ के थोड़ा योगा करें। योगा रियली क्रिएट्स दैट फ्लो। थोड़ा डांस करें, वेन यू मूव योर हिप्स, वेन यू मूव अराउंड। आजकल तो इंस्टाग्राम में, टिकटॉक में, यूट्यूब में, टिकटॉक हमारे देश में बैंड है, बट टिकटॉक वगैरह में हर जगह आप देखोगे कि इतना सारा डांस का वो सब चलता रहता है, तो वो काफ़ी टाइम इंस्पायर भी करता है आपको कुछ डांस मूव सीखने के लिए, कुछ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो सकता है कि आप शाय हो और आप डांस वांस नहीं कर रहे हो। तो डांसिंग से क्या होता है ना, योर बॉडी का एनर्जी कम्स टू अ नाइस, व्हेन यू मूव योर हिप्स एक्चुअली इट एक्चुअली कम्स ब्रिंग्स यू टू योर फेमिनिन एनर्जी, इट हेल्प्स यू टू ग्राउंड योर फेमिनिन एनर्जी। एंड एक और चीज़ जो मैं फील करती हूँ वो है आपको जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके स्माइलिंग एंड एक्सपेक्टिंग थिंग्स टू वर्क आउट फॉर यू, दैट ऑल्सो इज़ वेरी हेल्पफुल। बाकी लेट, सबसे इम्पॉर्टेंट है लेट गो करना और चीज़ों को कंट्रोल करने का इच्छा ना रखना। लाइक जब आप अपने फेमिनिन सेल्फ में होते हो, एट दैट टाइम यू लेट थिंग्स हैपन, यू नो। एक आदमी भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है, बिकॉज फेमिनिन साइड इज देयर इन मेन एंड वुमेन, लाइक एवरीबॉडी इज देयर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन एस्पेशली। जस्ट लेटिंग गो ऑफ द कंट्रोल, यू नो, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बींग लाइक अ person who knows everything, we don't need to do that. So that is something I feel. So finally, इस video में मैंने अपने life के काफ़ी सारी चीज़ों को एक किया। I have brought in a lot of different elements of my life, whether it comes to my psychic abilities and my spiritual side or politics or my love, my relationship. That's a twin flame relationship that I have. I studied economics, so there's a part of me that is a economist inside of me, I feel at times. I have, even though I want to study more, like there are a lot of things I want to do more. So life mein na ichha rakhna, curiosity rakhna, wanting to grow, wanting to, that is amazing. That is something that divine feminine does. Growth, nurturing and growth. So that really helps. And and appreciating your body is very important. When you are within yourself and you are able to appreciate yourself and your body, that kind of that is very crucial, that is very important. तो सेल्फ नेगेटिव टॉक ना करना, खुद के बॉडी को नेगेटिवली ना बोलना। जैसे अभी आपका हेयर कैसे हो रहा है, whether it's looking absolutely amazing like a diva gorgeous or not, it doesn't matter. Just like having enough self love for yourself and being in a space of like you able to date yourself, you able to love yourself. आप अपने अकेले जब आप रहते हो, क्या आप इंटरेस्टिंग हो, लाइक डू यू लाइक योर ओन कंपनी, दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल। दैट इज लाइक अ कॉमन थिंग फॉर मैन एंड वुमेन बोथ, बट या लाइक कुकिंग इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर नर्चरिंग वाला साइड। तो जो नर्चर के साथ कनेक्टेड है, जो आपके इमोशनल साइड के साथ कनेक्टेड, दैट इज अ पार्ट वी कॉल बींग टच विद योर डिवाइन फेमिनिन। बट वैन यू, वैन अ मैन इज रेडी टू गेट मैरिड, वैन ही इज विलिंग टू गिव फुल कमिटमेंट, देन ही विल ऑल्सो कम इन टच विद इज डिवाइन फेमिनिन साइड एज वेल। डिवाइन मैस्कुलिन विल ऑल्सो कम इन टू डिवाइन फेमिनिन के साथ टच में, बिकॉज ही विल ऑल्सो फील वेरी इमोशनल एंड हैविंग अ लॉट ऑफ लव टू गिव। Yeah, so that is very important, right? So I wanted to just to make a video that kind of like
पुट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माय लाइफ इनटू वन, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हो जो बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो काफ़ी टाइम देखा होगा मैं ब्लॉग्स बना लेती हूँ जिसमें मेरा लाइफ एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ था, फिर पॉलिटिक्स आ गया, फिर एस्ट्रोलॉजी में भी आई एम अ फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर एज वेल. आई लव गिविंग गाइडेंसेज बट आई डोंट डू स्पिरिचुअली. मैं गाइडेंस जो लोगों को देती हूँ वो इट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ क्या कहते हैं करियर बनाना है ऐसे करके. इट वॉज माई स्पिरिचुअल कॉलिंग. एक और वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द जर्नी दैट यू विल गो थ्रू ऑफ असेंशन ऑफ बींग कम्प्लीट सॉलिट्यूड में. जब आप एकदम अकेले में कैसे आप होते हो, जब आप जॉब में भी जा रहे हो और बहुत सारा काम भी कर रहे हो, वहाँ जाके भी एकदम खुद को यू नो अलग फील करना, अलोन फील करना. बट अलोन नहीं, सॉलिट्यूड में आप कैसे उसको ग्रो कर सकते हो, कैसे आपका सोल नर्चर होता है. ठीक है, आई मेक इट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड स्टे कनेक्टेड विद योर फैमिली.